से दिल्ली के दरबारों में चर्मराहट पैदा हो जानी चाहिए थी। एक बार पुनः मैं भारत माता की जय बोलूंगा। भारत माता की, भारत माता की। पूर्व सैनिक संघर्ष नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो पूर्व सैनिकों की रैली है उसमें आप भीड़ देख पा रहे हैं, कितने ज्यादा पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं। अब हमारे देश के फौजी अपने हक के लिए जागरूक हो चुके हैं और उसका जो है जीता जागता उदाहरण आप देख पा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक इस रैली में पहुंचे हैं जिसमें सभी पूर्व सैनिक अपने हक की मांग के लिए जो है सरकार के सामने प्रोटेस्ट रख रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि जंतर मंतर पर भी जो पूर्व सैनिक संघर्ष कमेटी है उसका लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। तो सबसे पहले तो अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से लगातार देश में पूर्व सैनिकों की एक जंग सरकार के खिलाफ शुरू हो गई है जिसमें सरकार को मानना ही होगा। और कुछ एक ऐसे भी उदाहरण हैं जिन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का पेंशन धारकों के हक में झुकाव, पहले जो है ORP एरियर्स के बारे में, उसके बाद MSP के भी जो है एक पॉजिटिव अपडेट आई है। लगातार पेंशन धारकों के हक में जो सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रहा है उसके बाद तो हमारे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर जो हैं वो काफ़ी जो है जोश के साथ और एक बड़ी उम्मीद के साथ एक नया प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी कर रहे हैं। और आपको बता दें जंतर मंतर पर भी लगातार पेंशन धारक पहुँच रहे हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप ORP 2 लाभार्थी हैं या देश के पूर्व सैनिक हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर गोदी मीडिया नहीं है खबरें फैलाने के लिए। ये खबरें पूर्व सैनिकों के हक की, रैलियों की, प्रोटेस्ट की, सभी खबरें हमें ही एक दूसरे तक पहुँचानी है, गोदी मीडिया इसकी कवरिंग नहीं करने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ पर भी पूर्व सैनिक अपना जमावड़ा दें, एकजुट जरूर से हों ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। तो दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही थी, आगे यहाँ पर क्या क्या जो इन्होंने बोला उस पूरा जो है रिकॉर्डेड वीडियो उसके साथ है, जो भी अपडेट्स आप सभी के लिए आती हैं या आगे की कोई रणनीति धरना प्रदर्शन से लेकर निकल कर आती है, हम आप सभी पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी पेंशन धारकों को जय हिंद जय भारत।